बिजली कटौती ने शहरवासियों का हाल बेहाल कर रखा है। ऐसे ही कुछ नजारा जिला अस्पताल औरसला में देखने को मिला, जहां लंबी लंबी कतारों में पर्चे बनवाने के लिए खड़े मरीज गर्मी से बेहाल दिखाई दिए। भीषण गर्मी में बिजली गुल हो जाने से पर्चा बनने की प्रक्रिया कई बार रुकी, वहीं मरीजों को कई घंटों तक इंतजार करना पड़ा। कुछ मरीजों ने बताया कि लगभग 2 घंटे से पर्चे की कतार में खड़े हुए हैं। भीड़ से जहां हाल बेहाल है, वहीं बिजली की आंख मिचौली के चलते अब तक पर्चा नहीं बन सका है। ऐसे में जिला अस्पताल जनरेटर की सुविधा किसी काम की नहीं आ रही है। हाँ, मैं पर्चे के लिए घंटे से खड़ा हूँ। यहाँ पर्चे में समय लगता है, पर्चा कोई दूसरा लेने आता है, दूसरा लेके चला के दवा जब जाओ तो कहते हैं जेंट्स की लाइन है, लेडीज़ की लाइन है, मिस्टेक समझाते हैं लोग। लाइट को लेकर समस्या है, लाइट 2 घंटे से नहीं आ रही। यहाँ कंप्यूटर बंद हो रहा है, 1 घंटे लाइन में खड़े थे, पर्चा बना मेरा। मेरे को तो आधा घंटा हुआ है आए हुए, लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि लाइन बाय लाइन नहीं है, यहाँ पे कोई क्यू नहीं है। यहाँ पे लाइन को लेकर ये समस्या है। पहली बात तो आप लाइट को लेकर तो ये भैया लाइट तो आने से रहे नहीं, आप तो जानते हो सरकारी कंप्यूटर में हम अभी इतना तो हमें पता नहीं है यहाँ पर, लेकिन लाइट को लेकर फिर भी यहाँ पर समस्या, और ऊपर से लाइन को लेकर भी यहाँ पर बहुत समस्या। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।